आज सुबह विजयनगर चौराहे पर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करने और भाजपा के सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव मीडिया के सवालों से बस नजर आए। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आज से संगठन का रुख प्रारंभ हो रहा है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने देश के अंदर पहला जन आंदोलन इस बात के लिए किया था जब देश के अंदर धारा 370 लगी थी जम्मू कश्मीर में, तब उन्होंने देश में एक नारा बुलंद किया था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो संविधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और इस नारे को लेकर देश भर के भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं को जम्मू कश्मीर बुलाया था, जम्मू कश्मीर की जेलों को भर दिया था। वहां पर संदिग्ध परिस्थिति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से आजादी के बाद देश की एकता और अखंडता के लिए पहला राजनीतिक बलिदान यदि किसी राजनीतिक दल का था तो वो भारतीय जनसंघ का था। आज हमें कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने भारत का विभाजन हुआ था और भारत के विभाजन के वक्त बंगाल पूरा की पूरा पाकिस्तान में जा रहा था, दोस्तों INC24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर सबसे पहले हमारी न्यूज प्राप्त करें।